हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। अगर आप पाइथन में क्यूब कैलकुलेट करने का प्रोग्राम बनाना चाहते हैं तो ये बड़ा आसान है। यहाँ पे प्रोग्राम भी मैंने लिख रखा है, आप देख सकते हैं। यहाँ पर ये मैं ओपन करके दिखा भी देता हूँ आपको। ये वो प्रोग्राम है, यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पर एक्स नाम से एक फंक्शन क्यूब नाम से बनाया, इसके अंदर एक्स, और इसी एक्स को हमने 3 बार मल्टीप्लाई, यानी रिटर्न में हमने क्या कराया, एक्स को 3 टाइम मल्टीप्लाई करवा लिया है, और एन नाम से एक और वेरिएबल जो कि इंटीजर टाइप का है, और फिर क्यूब 1 एक यूज किया है हमने, क्यूब 1 = n इसमें स्टोर कराया, फिर यहाँ पे फॉर्मेट फंक्शन का यूज किया। जब हम इसको चलाएंगे ना तो ये हमें क्यूब कैलकुलेट करके देगा, यूजर द्वारा एंटर किया गया। ठीक है, तो जैसे 3 एंटर करता हूँ तो यहाँ 27 आना चाहिए, देखते हैं क्या आता है, यहाँ पे क्या रिजल्ट रहता है। तो एंटर किया तो 27 आ रहा है, यानी क्यूब रूट हमें कैलकुलेट करके दे रहा है। ठीक है, तो ये आए, फिर यहाँ पे आप एंटर करते हो, इस बार 7 एंटर करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे देख सकते हैं 7 7 जा 49, और 7 जा फिर उसमें 7 का मल्टीप्लाई होता है तो 343 आता है। तो ये आसान है, इसमें मैंने फॉर्मेट का यूज किया है। अब ये फॉर्मेट क्या है, इसके लिए एक नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा, उसमें आपको बताऊंगा। ठीक है ना, तब तक के लिए क्यूब तो आपको समझ में आया होगा। ये डेफ का यूज करके, यानी हमने फंक्शन क्रिएट किया है। ठीक है,